हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभर लेक। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, परिचालन और वित्तीय उत्तोलक। तो परिचालन और वित्तीय उत्तोलक क्या है, उत्तोलक क्या है? सबसे पहले हमें उत्तोलक का अर्थ जानना जरूरी होता है। आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि उत्तोलक, एक सुना होगा आपने कि जब किसी भारी पत्थर को हमको हटाना होता है तो उसके नीचे हम लोहे का सरिया लगाते हैं और उस लोहे के सरिये के नीचे एक छोटा पत्थर लगाते हैं और छोटे पत्थर के ऊपर उस लोहे के सरिये को यदि हम दबाते हैं, जोर से प्रेशर मारते हैं, तो बड़ा वाला पत्थर अपने आप थोड़ा सा आगे सरक जाता है, हिल जाता है। तो ये यांत्रिक विज्ञान के अंतर्गत इसको हम प्रयोग करते हैं कि बड़े भार को हटाने के लिए छोटी कम शक्ति के प्रयोग से हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन प्रबंध के क्षेत्र में ये चीज़ यहाँ नहीं आती, इसको दूसरे रूप में हम यहाँ काम में लेते हैं। और प्रबंध के अंतर्गत हम इसको स्थायी लागत वाली संपत्तियों या कोषों के प्रयोग करने की योग्यता के रूप में लेते हैं कि व्यवसाय में जो स्थायी संपत्तियाँ होती हैं उनको यदि आप यूज करते हैं तो उनके लिए कुछ आपको लागत का भुगतान करना पड़ता है, तो वो इसमें उत्तोलक का काम करता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संपत्तियाँ आप यूज करते हैं उनके लिए जो संस्था स्थायी लागत चुकाती है, वो स्थायी लागत या स्थायी प्रत्यय, उसको हम उत्तोलक का आधार कह सकते हैं। ये जो उत्तोलक है, ये जो स्थायी लागत होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो परिचालन से संबंधित जो परिचालन क्रियाएं होती हैं उसकी लागतें होती हैं, परिचालन स्थायी लागत होती है, और एक वित्तीय स्थायी लागत जो है वो होती है जिनको हमको चुकाना पड़ता है, जैसे ब्याज वगैरह हमको देना पड़ता है, वो इसके अंतर्गत जो है वो आ जाता है, इंटरेस्ट वगैरह डिबेंचर का, ये इसमें लेते हैं। अब इस उत्तोलक का प्रभाव क्या होगा, इस उत्तोलक के होने से क्या होगा कि विक्रय में जितना परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप लाभों में भी तुलनात्मक परिवर्तन होता है। यानी जैसे सेल्स आपकी बढ़ गई तो आपके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, और सेल्स कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम होंगे, लेकिन तुलनात्मक परिवर्तन इसके अंतर्गत हमको देखने में मिलता है। यानी लाभों में, विक्रय में यदि मान लीजिए थोड़ी सी वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए विक्रय में 20% की वृद्धि हुई और लाभों में आपके 50% की वृद्धि होती है, तो यदि विक्रय में 20% की कमी होगी तो लाभों में भी 50% की कमी होगी। यानी अनुपात समान रहेगा, जितना प्रतिशत बिक्री बढ़ेगी उतना प्रतिशत लाभ नहीं बढ़ेगा। जैसे बिक्री आपकी 20% बढ़ी तो लाभ 20% नहीं बढ़ेगा, लाभ आपका 20% से ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन यदि बिक्री 20% कम होगी तो लाभ भी कम होगा, लेकिन जो अनुपात है बिक्री में वृद्धि का और लाभों में वृद्धि का, या बिक्री में कमी का और लाभों में कमी का, वो अनुपात बराबर रहेगा। ये एक विशेष बात हमें इसमें ध्यान रखने की जो है वो है। तो ये लागतों की वजह से, परिचालन लागतों की वजह से और वित्तीय लागतों की वजह से ये उत्तोलक जो है वो व्यवसाय में उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब, यदि हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी व्यवसाय में, किसी संस्था में स्थायी लागतें नहीं हैं, न तो परिचालन की स्थायी लागतें हैं, न वित्तीय स्थायी लागतें हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई भी उत्तोलक नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखने की बात है। अब ये जो उत्तोलक है, इस उत्तोलक को, इसका जो, इसमें जो वृद्धि होती है उसके संबंध में दो चार बातें आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि एक तो उत्तोलक विश्लेषक के हाथों में एक औजार है, जो एनालिटिकल होता है, जो एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट वगैरह का, उनके हाथों में एक औजार है। वो कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालन की स्थिति को ध्यान रखने, ज्ञात करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए इस उत्तोलक को एक औजार के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा, बिक्री में परिवर्तन के कारण लाभों में परिवर्तन को दर्शाता है। इस उत्तोलक से ये पता चलता है कि बिक्री में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण लाभों में कितना परिवर्तन होता है। तीसरी बात इसमें आती है कि माल की बिक्री हेतु की गई स्थायी लागतों को चित्रित करता है। जो माल आपने बेचा है उसकी स्थायी लागत जो है वो कितनी है उसको ये उत्तोलक बताता है। चौथा, परिचालन लागतों के नियंत्रण में प्रबंध की सहायता करता है। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो दोनों होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो उन स्थायी जो लागतें हैं उनको नियंत्रित करने में ये सहायता करता है। बिक्री की मात्रा और परिचालन लाभों के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बिक्री यदि 20% बढ़ती है तो लाभ जो है मान लो 50% यदि बढ़ते हैं तो यह अनुपात इसी तरह से रहेगा। यदि बिक्री 20% कम होगी तो लाभ भी 50% कम होंगे। तो दोनों के बीच जो है, बिक्री में परिवर्तन और लाभों में परिवर्तन के बीच ये संबंध स्थापित करता है। अब ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया
इसमें लाभों की वृद्धि या कमी के दो कारण मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं, एक तो स्थायी परिचालन लागतें और एक स्थायी वित्तीय लागतें। तो इनके कारण इसीलिए उत्तोलक भी यहाँ दो प्रकार के होते हैं, यानी एक तो परिचालन उत्तोलक और एक वित्तीय उत्तोलक। तो जो परिचालन स्थायी लागतों के कारण उत्तोलक होगा वो परिचालन उत्तोलक होगा, और जो स्थायी वित्तीय लागतों के कारण उत्तोलक उत्पन्न होगा उसको हम वित्तीय उत्तोलक के नाम से जानते हैं। और एक फिर इन दोनों का संयुक्त उत्तोलक और होता है, जॉइंट या जिसको हम कंबाइंड लीवरेज जो है वो कहते हैं, वो भी हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिचालन उत्तोलक का हम अध्ययन करते हैं। जैसा अभी आपको बताया कि परिचालन उत्तोलक यानी संस्था की जो लागत संरचना है, व्यवसाय में जो डे टू डे की एक्टिविटीज होती हैं उसके संबंध में जो लागतें होती हैं वो परिचालन लागतें होती हैं। इनको दो भागों में हम बांटते हैं, एक तो होती है स्थायी लागतें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होती हैं वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागतें। तो जैसा आप जानते हैं कि स्थायी जो लागतें होती हैं वो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती हैं, चाहे आप 1000 इकाई बनाएं, चाहे 5000 इकाई बनाएं, चाहे 10000 इकाई बनाएं, स्थायी लागतें उतनी ही रहेंगी। लेकिन जो परिवर्तनशील लागतें हैं ये उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तित होती रहती हैं, यानी यदि आप उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो परिवर्तनशील लागतें ज़्यादा होंगी, उत्पादन कम करेंगे तो परिवर्तनशील लागतें भी कम होंगी। तो इसलिए इन लागतों का इस पर बिक्री की मात्रा में परिवर्तन से ये प्रभावित होती हैं। स्थायी लागतें प्रभावित नहीं होती, लेकिन परिवर्तनशील लागतें बिक्री इसमें परिवर्तन से प्रभावित होती हैं। अब सवाल ये है कि एक प्रकार से इस परिचालन उत्तोलक को हम क्या कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि संस्था की परिचालन क्रियाओं में स्थायी लागतों की सीमा परिचालन उत्तोलक का निर्धारण करती है। यानी यदि जैसा ऊपर बताया आपको कि परिचालन के स्थायी लागत यदि हैं तभी परिचालन उत्तोलक होगा, यदि परिचालन की स्थायी लागतें नहीं हैं तो यहाँ कोई भी परिचालन उत्तोलक नहीं होगा। तो अब ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनके बारे में हमको देखना पड़ेगा। यदि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तब तो परिचालन उत्तोलक ऊँचा होगा, और यदि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट से कम है तो परिचालन उत्तोलक नीचा होगा। ये एक विशेष बात ध्यान रखने की है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि एक फर्म की कुल लागतों में स्थायी लागतों का प्रतिशत ऊंचा है तब ये कहा जाएगा कि फर्म में उच्च मात्रा का परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। अब इसको एक उदाहरण से आप समझिए, देखो किस तरह से इसको हम समझते हैं। जैसे दे रखा है कि एक फर्म की उत्पाद की 80,000 इकाइयों का विक्रय करती है, 80,000 यूनिट कंपनी बेचती है वर्तमान में, सेलिंग प्राइस दे रखी है 8 रुपये पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपये पर यूनिट और स्थायी परिचालन लागतें हैं 3,30,000 रुपये। अब ये कहता है कि बिक्री की 96,000 इकाइयाँ और 64,000 इकाइयाँ यदि होती हैं तो लाभों पर क्या प्रभाव होगा। तो यानी हमारे पास तीन स्तर हो गए, एक हो गया 80,000 इकाइयों का, एक हो गया हमारे पास 96,000 इकाइयों का और एक हमारे पास हो गया आपके ये 64,000 इकाइयों का। तो तीनों स्तरों पर हम लाभ और बिक्री का प्रतिशत हम इसमें जो है वो ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें देखिए, ये एक स्टेटमेंट हमने बनाया 80,000 इकाइयों का, फिर 96,000 इकाइयों का और एक फिर 64,000 इकाइयों का। सेल्स लेंगे पहले, सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें 8 रुपये पर यूनिट, तो 80,000 को करेंगे तो 8×64 640,000, 96,000 को 8 से करेंगे तो 768,000 और 64,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512,000। अब इसके बाद इसमें से अपन घटाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है हमें प्रश्न के अंतर्गत 2 रुपये पर यूनिट, तो 2 रुपये के हिसाब से लेंगे तो 80,000 इकाइयों का हो गया 1,60,000, 96,000 इकाइयों का हो गया 1,92,000 और 64,000 इकाइयों का हो गया आपके 1,28,000। तो इस तरह से इसमें ये वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो ये आपके कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस कंट्रीब्यूशन में से हम घटाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट जैसे आपको बताया कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर फिक्स रहती हैं, तो ये इसमें दे रखी हैं 3,30,000। तो तीनों स्तरों पर हम 3,30, 3,30 और 3,30 इसमें से हम घटा देंगे, तो ये आ गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी लाभ आ गए। तो इसमें जैसे आगे इसमें 80,000 रुपये आता है 1,50,000 रुपये, 96,000 इकाइयों पे आते हैं 2,46,000 रुपये और 64,000 इकाइयों पे आता है आपके 54,000 रुपये का प्रॉफिट इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें प्रतिशत परिवर्तन हमको निकालना होगा, तो बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन
अब बिक्री देखिए 80,000 इकाइयों से 96,000 यानी बिक्री की जो है 6,40,000 से बढ़ करके कितनी हो गई 7,68,000। तो ये 1,28,000 रुपये बढ़ गए, कितने में बढ़े 640 पर। तो हम परसेंटेज निकालेंगे 1/28/640 × 100 बराबर प्लस 20%, ये वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ लेंगे तो यहाँ तो देखिए 6,40,000 से बिक्री घट के हो गई 5,12,000 घट गई यहाँ। तो कितनी घटी, वही 1,28,000 रुपये बिक्री जो है वो यहाँ पे घट गई। तो ये घट गई तो यहाँ हो गया 1/28/640 × 100 यहाँ -20% आ जाएगा, समझ गए आप। अब इसी तरह से प्रॉफिट में निकालेंगे, प्रॉफिट 1.5 लाख से बढ़ के हो गया 2,46,000, तो यानी ये 96,000 प्रॉफिट बढ़ गया। तो 96,000 × 1.5 लाख × 100 बराबर 64% आ गया। यहाँ पर प्रॉफिट 2,46 से घट करके 54,000 हो गया, तो यहाँ भी 96,000 रुपये माइनस हो गया बटा 1.5 लाख × 100, तो ये -64% हो गया। अब आप इस विवरण को देखिए, जैसा अभी मैंने ऊपर आपको बताया था वो बात यहाँ सत्य साबित होती है कि बिक्री में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन लाभों में होता है, लेकिन यदि कमी होती है तो कमी भी उसी अनुपात में होगी, अनुपात समान रहेगा। अब जैसे यहाँ बिक्री 20% बढ़ रही है तो प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिट 20% माइनस हो रहा है, प्रॉफिट 20% बढ़ रहा है इसमें, सॉरी इसमें 96,000 इकाइयों पे हम देखते हैं तो बिक्री 20% बढ़ रही है तो प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है 64%, और बिक्री यदि 20% कम हो रही है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 64% कम हो रहा है। तो यानी अनुपात वही है 20-64, 20-64, इसका मतलब ये हो गया कि 20% यदि बिक्री आपकी बढ़ती है तो प्रॉफिट आपका 64% बढ़ेगा, बिक्री के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। लोग अंदाज ये लगाते हैं कि बिक्री 20% बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी 20% बढ़ेगा, प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये स्थाई लागतों के कारण है कि स्थाई लागतें 80,000 पे भी 3,30 है, 96,000 पे भी 3,30 है और 64,000 पर भी 3,30 है। तो जितना स्थाई लागत तो उतनी होगी, आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी और कम उत्पादन करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उस कारण से ये प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बिक्री में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी तुलना में लाभों में अधिक प्रतिशत परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी। अब इसमें एक पॉइंट और आता है आगे, जिसको हम कहते हैं परिचालन उत्तोलन की गणना। इसकी गणना कैसे करें, फॉर्मूले के आधार पर। ये तो हमने टेबल से निकाल लिया, फॉर्मूले में गणना करने का इसका दे रखा है ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी C/EBIT। तो जैसे C/EBIT करेंगे हम तो वो वही प्रॉफिट यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो आ जाएगा। C का मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब S-V भी दिखा सकते हैं, और कंट्रीब्यूशन में जो फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तो वो आपके EBIT आ जाएगा। तो ऊपर जैसे यदि हम देखें यहाँ पर इसमें 80,000 इकाइयों पर यदि हम EBIT निकालें तो कंट्रीब्यूशन कितना है 4,80 और EBIT है 1.5 लाख रुपये। तो आप देखिए 4,80/1.5 लाख 3.2, तो यहाँ उच्च स्तर का एक प्रकार से हम कह सकते हैं परिचालन उत्तोलक जो है वो कहलाएगा, और ये अनुकूल परिचालन उत्तोलक इसको हम कहेंगे। जब जब पॉजिटिव आता है ये, एक या एक से ज़्यादा आता है तो ये अनुकूल होगा, और एक से कम आएगा तो ये प्रतिकूल जो है वो कहलाएगा। अब एक उदाहरण से इसको और हम समझ सकते हैं फॉर्मूले के आधार पर कि निर्माणी संस्था में 1,000 इकाइयों का उत्पादन विक्रय करती है, प्रति इकाई विक्रय मूल्य 200 रुपये और प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 70 है, स्थाई लागत 50,000 है, तो परिचालन उत्तोलक निकालिए। जैसे ऊपर आपको बताया उसी प्रकार से आप ये कैलकुलेट फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और आता है जिसको हम कहते हैं परिचालन उत्तोलक की मात्रा। तो कई बार परिचालन उत्तोलक की मात्रा की गणना भी हमको करनी पड़ती है, तो ये मात्रा की गणना करने के लिए हमें इसमें विक्रय के दो स्तरों के आधार पर गणना की जाती है। ये देख लीजिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें उत्पादन के एक से अधिक स्तर दिए हुए हों। यदि एक ही स्तर दिया हुआ हो तो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात नहीं कर सकते, यानी उस स्थिति में जो ऑपरेटिंग लीवरेज होगा वही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज माना जाएगा। जैसे इस सवाल में है, इसमें उत्पादन का एक स्तर दिया हुआ है, 1,000 इकाइयों का दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी वही होगा जो ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। तो यहाँ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इस प्रश्न में नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ऊपर जो एग्जांपल हमने लिया है जहाँ पर हमने ये 80,000 इकाइयों पर, 96,000 इकाइयों पर और 64,000 इकाइयों पर निकाला, तो यहाँ एक से अधिक स्तर दे दिए उत्पादन के, तो यहाँ हम जो है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको ज्ञात कैसे करें, इसका फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का, ये आप देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो जैसे ऊपर के सवाल में हमने लिया था कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है, 64%, और सेल्स में कितना है, 20%। तो ये देखिए आप इसमें 64% बटा 20% बराबर 3.2। तो ये आ गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ऊपर देखिए इस सवाल में हमने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला था, तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला था ना हमने यहाँ पे, ये देखो ये निकाल रखा 480/1.5, तो ये कितना आ रहा है, 3.2। तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी उतना ही आएगा जितना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, लेकिन ज्ञात करने का तरीका अलग अलग है। उत्पादन का यदि एक स्तर दिया हुआ हो तब तो हम ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे, और उत्पादन के एक से अधिक स्तर दे रखे हों तब हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये परिचालन उत्तोलन की गणना हमको करनी पड़ती है। धन्यवाद।